हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनल किचन फैमिली। आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आप रक्षाबंधन कब मनाए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इस तरह ना मैंने आरती की थाली सजा ली है। अभी बेटी को समझा रही थी, बताती जा रही थी कि कैसा कैसा तिलक लगाना है और राखी कौन से हाथ को बांधनी है। तो अभी बच्चों को कैसा है सब जैसे अभी हम बताते वैसे बच्चे करते जाते हैं। वैसे हम संडे के दिन रक्षाबंधन मनाए थे, आप लोग कब मनाए थे ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि इस बार है ना रक्षाबंधन का मुहूर्त ही पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 12-11 तारीख को नहीं है तो भद्र नक्षत्र की वजह से, तो इसलिए हम संडे के दिन रक्षाबंधन मनाएं। देखो बीच में ना हस्बैंड आ गए थे सब्जी लेकर, क्योंकि आज बच्चों ने फरमाइश की थी कि पाव भाजी बनाना है करके, तो सुबह सुबह उनको भेज दिया था मैंने। क्योंकि ना बच्चे है ना 8 दिन से फीवर दोनों को भी है, श्रावणी को तो आज फीवर था बहुत, तो इसलिए वो रक्षाबंधन इतना अच्छे से तैयार नहीं हुई है। बर्थडे के दिन भी उसको 12 तारीख को उसका बर्थडे था, फिर भी मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, मुझे बनाना था पर उसके फीवर की वजह से मैंने बना नहीं पाई। तो रक्षाबंधन भी सिंपल तरीके से हमने मनाया। हमारे ना एक रिचुअल होता है कि भाई बड़ा हो या छोटा तो पैर पड़ता है बहन के, तो हम भी वही। हमारे पूरे परिवार तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, ऑल ऑफ यू। सो रक्षाबंधन होने के बाद मैंने चेंज कर ली हूँ, अभी पाव भाजी की तैयारी करती हूँ। हस्बैंड जी ने जो सब्जी लेके आए थे सब छाट लेती हूँ, आलू प्याज और मटर फ्लावर ये सब लाए थे वो सब छाट कर रखती हूँ। क्योंकि 8 दिन से ना बच्चे अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे सर, खाना तो बनाती हूँ कोई खाता नहीं, वैसे ही सब सब्जी है ना फ्रिज में पड़ी है। तो आज बच्चों ने बोला कि मम्मी हमको पाव भाजी खाना है, इसलिए आज मैं आपसे पाव भाजी का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। देखिए मेरे मैं कैसे बनाती हूँ पाव भाजी, हो सके तो ऐसा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पाव भाजी बहुत अच्छा और टेस्टी बना था। पिछली बार भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था पाव भाजी का, हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, देख लेना। वैसे आज ना बहुत बारिश हो रही थी, बच्चों ने ना आजकल खाना बहुत कम कर दिए हैं। बच्चों क्या मुझे भी ना मुंह में बिल्कुल भी स्वाद नहीं, कुछ भी बनाती हूँ तो खाना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आज सोची हूँ पाव भाजी मुझे भी पसंद आता है, सिर्फ हस्बैंड जी को नहीं पसंद आता, तो देखती हूँ उनके लिए रोटी सब्जी भी बनाना है। और है ना बहुत बारिश बहुत ज़ोर से होने लगी थी, तो मैंने बेटी को बोला कि कपड़े ज़रा निकाल दे उधर से, क्योंकि ग्रिल है ना बाहर की तरफ से ना कपड़े भीग जाते हैं, इसलिए वो कपड़े निकाल रही थी। 250 ग्राम फ्लावर, 250 ग्राम मटर और 300 ग्राम आलू ये अच्छे से मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है और पानी से धो लिया है 3-4 बार, और 2 कैप्सिकम और 2 प्याज लिया है। अभी ये सब कुकर में ऐड करनी है, आलू फ्लावर और मटर और 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच नमक ऐड करके और 1/2 ग्लास पानी ऐड करके सिर्फ 1 सीटी लेनी है, ज़्यादा पकाना नहीं। आलू और कैप्सिकम चॉपर में से बारीक चॉप कर लेना है, तब तक कुकर की सीटी भी हो जाएगी। Thank you.
की एक सिट्टी आ चुकी है और प्याज शिमला मिर्च दोनों चॉपर में डाल के मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अभी 300 ग्राम टमाटो का प्यूरी कर लिया है। अभी देख सकते हैं आलू और फ्लावर मटर अच्छे से पक चुके हैं, तो इसका मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। अच्छे से प्यूरी बन चुकी है, अभी साइड में रख देनी है। अभी तड़के की तैयारी करते हैं। 2 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच किसा हुआ अदरक अच्छे से कूट लेना है। तैयार है अदरक लहसुन का पेस्ट। बड़े से पतीली लिया है, उसमें 3 चम्मच तेल और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेनी है। शुरू में ना गैस का फ्लेम धीमी रखनी है। अभी प्याज ऐड किया है मैंने, अच्छे से सोटे कर लेनी है। थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए तब कैप्सिकम ऐड करनी है। कैप्सिकम ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट भूननी है। कैप्सिकम का कच्चापन निकल जाना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, तब तक भून लेना है। अच्छे से भून चुका है। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके अच्छे से भून लेना है। 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे भूनना है। देख सकते हैं तेल छोड़ रहा है। अभी इसमें टमाटो का प्यूरी ऐड करते हैं। टमाटो की प्यूरी ऐड करके 1/2 चम्मच नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने से प्यूरी जल्दी पक जाती है। अच्छे से ढक के ना 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे अच्छे से भून लेना है। देख सकते हैं अच्छे से भून चुका है। अभी इसमें पाव भाजी मसाला 2 बड़े चम्मच और 1/2 चम्मच गरम मसाला होममेड और धनिया पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद वापस से ढक के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। बीच बीच में थोड़ी सी कड़छी चलानी है क्योंकि नीचे लगने के चांसेस होती है। देख सकते हैं अच्छे से तेल ऊपर आ रहा है और 2 से 3 मिनट हम अच्छे से भून लेंगे। 2-3 मिनट के बाद देख सकते हैं नीचे लग रहा है। अच्छे से धीमी आंच पे मिक्स करते रहना है और 2 से 3 मिनट। अभी वो जो मटर और आलू गोभी का प्यूरे बना के रखा था ना, वो ऐड करना है। अपने मन पसंद के हिसाब से ना पानी ऐड करना है इधर इस स्टेप पे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। और है ना, आपको पसंद है तो बीटरूट ऐड कीजिएगा 1 इसमें। उससे क्या होता है ना, अच्छा कलर आ जाता है। तो मेरे पास बीटरूट नहीं था तो इसलिए मैंने टमाटो कलर ऐड कर दिया है। टमाटो कलर ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है और 2-3 मिनट पका लेना है। तो पाव भाजी बनके तैयार हो जाएगा। ढेर सारा धनिया पत्ता ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें और कस्तूरी मेथी थोड़ी सी, 1/2 चम्मच कस्तूरी मेथी ऐड किया है। हमारा पाव भाजी बनके रेडी है। भाजी तो अच्छी बना लिया है। अभी है ना उसमें पाव को, हर कोई ना मैंने देखा है पाव सिंपल ही खाते हैं, तो मेरे तरह तो आप पाव बना के खाइए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। 1 चम्मच ऑयल में ना 1/2 छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला ऐड करके इस तरह है ना पाव को गर्म करके शेक लेना है। इस तरह ट्राई करके ज़रूर बताएगा आज की रेसिपी कैसी लगी। और आज के वीडियो मेरा इधर तक की था। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको, और नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।